नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे आसान चाइनीज राइस। इस राइस को बनाने में आपको बस 5 मिनट लगेंगे, अगर आपके पास चावल पहले से ही पके हुए हो तो। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चाइनीज फ्राइड राइस बनाने के लिए पहले हम एक बर्तन में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। यहाँ पर हमने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हुई है, 5 से 6 हरी मिर्च है, बंद गोभी कटी हुई है, हरा प्याज कटा हुआ है, शिमला मिर्च भी कटी हुई है और प्याज भी कटा हुआ है। आप इसमें चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं। तेल गरम होते ही हम यहाँ सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। हरी मिर्च और लहसुन को हम थोड़ा पका लेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने प्याज भी डाल दिया। फिर यहाँ मैंने बंद गोभी डाली और इसके बाद हम यहाँ पे शिमला मिर्च भी डाल देंगे और थोड़ा चम्मच से हिला देना है। यहाँ पर हमें गैस के फ्लेम को हाई रखना है। आपको इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 मिनट लगेंगे। इसमें हम हरा प्याज भी डाल देंगे। अब इन सभी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम में ही पकाना है ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे, तभी इस फ्राइड राइस को खाने में मजा आएगा। अब यहाँ हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच टोमेटो सॉस। फिर हमें सबको मिलाना है और साथ ही 2 चम्मच इसमें शेजवान चटनी भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सभी सॉस मिक्स होने के बाद अब इसमें नमक डालेंगे। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमारे सभी सॉस में पहले से ही नमक रहते हैं। हम यहाँ 1 चम्मच नींबू का रस डाल रहे हैं, इससे राइस का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गैस का फ्लेम लो हो तो हाई कर ले और जैसे ही सभी सॉस सब्जियों में मिक्स हो जाए तो इसमें हमें राइस डाल देना है। तो यहाँ हमने ये चावल डाल दिया। राइस को हमने यहाँ पहले ही पका लिया था। हमने यहाँ पर 2 कप बासमती चावल लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखना है। तो अब हमारा चाइनीज फ्राइड राइस रेडी हो गया है। अब इसे हम ले चलते हैं सर्व करने के लिए। सर्व करने के लिए हम इसे एक सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा फ्राइड राइस परफेक्ट तैयार है। आप इसे मंचूरियन के साथ या चिली पनीर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबसे लास्ट में इसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा हरा प्याज डालेंगे और थोड़ी सी बंद गोभी। हमारा चाइनीज फ्राइड राइस रेडी हो गया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।